हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं ये स्लीव डिज़ाइन बना के बताऊंगी कि मैंने 2 इंच का पेपर लिया है। बाजू को हमने 20 से कटिंग कर लिया है। बाजू की साइज़ का हमने ये पेपर लेना है। ये मैंने लुक्स बनाए हैं। ये 3-3 इंच मैंने ये लुक्स काटे हैं। इस तरीके से हम इस लुक्स को लगाएंगे इस पर, इस तरीके से। फिर इस पर स्लीव अटैच करके आपको मैं बताऊँगी। इस तरीके से हमने इसका बीच का सेंटर निकाल दिया है। इस तरीके से हम इस रखेंगे। इसे मैं 2 कलर में बनाऊंगी। तरीके से हमने इस तरीके से पहले हम सारे एक साइड लगाएंगे इस तरफ, फिर मैं आपको दूसरी साइड लगा के बताऊंगी। इस तरीके से मैंने एक साइड बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड बताऊंगी। तरीके से इसके अंदर डाल के हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से इसके अंदर डाल के इस तरीके से मैं आपको पूरी सिलाई बना के दिखाऊंगी। तरीके से तरीके से तैयार हो गया है। ये बाजू की सीधी साइड है। इसे लगभग हम 1 इंच लगभग फोल्ड करेंगे। इस तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम तैयार करेंगे। इस तरीके से जॉइंट हो गया है। यहाँ पे ऊपर की साइड में आर्म होल की साइड 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी। यहाँ पे ये मैंने कपड़ा लगा लिया है 2 इंच का। अब आगे बाजू की गोलाई पे हम पट्टी लगाएंगे इस तरीके से सिलाई मार के। इस पे हम पाइपिंग इस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़ा ज्वाइन कर लिया है।
2 इंच का हमने कपड़ा लगाया है। यहाँ पे हम आगे की साइड पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो पूरी सिलाई लगा के फिर हम इस पे फोल्ड करके इस पे पाइपिंग बनाएंगे। ये सिलाई लग चुकी है। एक बार हम यहाँ बीच पे सिलाई लगाएंगे जिससे पाइपिंग में सफाई आएगी। इस सिलाई के ऊपर हमने बीच में यहाँ पे सिलाई लगानी है। बीच की सिलाई लग गई है। अब इस तरीके से हमने पाइपिंग बनानी है। इस तरीके से हम बीच पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। हमें सिलाई पे बीचों बीच पे लगानी है जिससे पाइपिंग बिल्कुल सही रहे। इस तरीके से पाइपिंग बन गई है। इस तरीके से मैंने इससे पाइपिंग लगा के तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।